जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं और वो है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के बारे में देश के हर नागरिक को पता रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमारे देश में कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक शर्मनाक हादसा हुआ जहां पर एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया गया। अब जो एडवोकेट है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लड़की है उसकी गाड़ी 9:30 बजे के आसपास पंचर होती है और कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, मगर उस लड़की को इंट्यूशंस आते हैं कि कुछ गलत होने वाला है और इसीलिए वो उसकी बहन को फोन करती है और फोन करके बोलती है कि मेरी गाड़ी यहां यहां पर पंचर हो गई है, कुछ लोग मदद के लिए आए हैं मगर मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और 40 मिनट के अंदर उसकी जो बहन है वो उस जगह पर पहुंचती है जहां से उसने फोन किया था, मगर उसकी बहन वहां पर ना रहने की वजह से वो पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए आसपास के पुलिस स्टेशन में जाती है जो कि वहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, और वहां पर पुलिस कंप्लेंट एफआईआर लिखवाने से पुलिस मना कर देती है यह कहकर कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। और फिर उसके बाद वो किसी और पुलिस स्टेशन में जाती है तो रात को 3 बजे के आसपास जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जाती है, मगर 5 बजे के आसपास वो जो लड़की है उसकी जली हुई बॉडी पाई जाती है। अब आप सोचिए कि अगर उस पुलिस स्टेशन ने ज्यूरिसडिक्शन का हवाला ना देकर वो एफआईआर दर्ज करा ली होती और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। जान तो छोड़िए, हो सकता है कि हम उसे गैंग रेप से भी बचा पाते, मगर क्या ये लीगल होता? क्या कोई भी पुलिस स्टेशन उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जो आता है तो क्या एफआईआर दर्ज करा सकती है? तो बिल्कुल करा सकती है। यही जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आता है। इसके तहत अगर कोई भी लड़की किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है और अगर वो इंसिडेंस उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी आता है फिर भी उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करवाना पड़ेगा और वो एफआईआर जीरो सीरियल नंबर में दर्ज कराया जाता है। और जैसे ही वो एफआईआर दर्ज कराया जाता है उसके तुरंत बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पुलिस स्टेशन में भेज दिए जाते हैं जिस पुलिस स्टेशन में उस इंसिडेंस का ज्यूरिसडिक्शन होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंस हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला जहां पर एक महिला का बच्चा खो गया था और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, मगर वो उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी उस पुलिस स्टेशन ने जीरो एफआईआर ये दर्ज कराई और उसके बाद तुरंत जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पुलिस स्टेशन में भेज दिए जहां पर उसका ज्यूरिसडिक्शन था और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को ढूंढ निकाला गया। तो इसीलिए जीरो एफआईआर ये सभी का अधिकार है। ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ये जो निर्भया केस हुआ था 2012 में उसके बाद से बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, मगर फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें जीरो एफआईआर के बारे में पता नहीं है और जिस पुलिस स्टेशन में वो गई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहां के पुलिस लोगों को जीरो एफआईआर के बारे में ना पता हो, ऐसा तो शायद ही हो सकता है। तो इसी तरह हो सकता है कि आप अगर किसी मुसीबत में हो और आप अगर किसी बाहर के ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो और अगर आपको वो भी ज्यूरिसडिक्शन का हवाला देते हो कि नहीं हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है तो ये आपके पास अधिकार है जीरो एफआईआर दर्ज कराने का। और इतना ही नहीं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जीरो एफआईआर दर्ज कराने से मना करता है तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 166A ऑफ IPC के तहत कार्यवाही भी हो सकती है और ये अधिकार सभी को पता रहना बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आप इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए जिससे कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और जितने भी क्राइम है किसी भी तरीके के हो उन सबको रोक सके। जय हिंद।